सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज आर्यनगर में गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं द्वारा उद्यमिता विकास संबंधित हस्तनिर्मित वस्तुओं की विक्रय प्रदर्शनी कॉलेज के सभागार में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी की अवलोकन किया गया। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रीना त्रिपाठी, गृह विज्ञान विभाग की प्रवक्ता डॉ. कनक मिश्रा, डॉ. सुषमा श्रीवास्तव, शांभवी राय सहित कॉलेज की अन्य शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहे। प्रदर्शनी में छात्राओं ने हस्तनिर्मित उपयोगी वस्तुओं को प्रदर्शित किया, जिसमें पेश सामानों से बनाए गए सामान भी उपलब्ध थे तथा दीपावली में घरों को सजाने वाले सामानों के साथ खाद्य सामग्री भी प्रदर्शनी में लगाए गए थे। महापौर डॉ. सत्या पांडे ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य शिक्षा के साथ छात्राओं को स्वावलंबी बनाना। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज की छात्रा निहारिका, विभाग की प्रवक्ता डॉ. कनक मिश्र और पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा। निहारिका है और मैं यहाँ होम साइंस की एक स्टूडेंट हूँ। सब्जेक्ट है होम साइंस का, जिसमें हमको पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस कैसे करते हैं इसके बारे में बताया जाता है। सारी एबिलिटीज़ एक जो बिजनेसमैन की होती है वो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं अपने अंदर। इसमें हम लोगों ने सारे हैंडमेड आइटम्स बनाए हैं, जूट ओरिएंटेड भी कह सकते हैं इसको, और दिवाली से रिलेट किया गया है। और सारे फूड प्रोडक्ट्स भी हाथ से बनाए गए हैं, कौन से सारे किसी ना किसी न्यूट्रिएंट में रिच प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं और सारे के सारे यहाँ पे हैंडमेड ही हैं। जैसे कि मठरी है, चावल की कचरी, पेड़े बनाए गए हैं, अलग अलग तरह की नमकीन है, लड्डू है। और आइटम्स में प्लांटेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि आजकल नेचर को बचाने को प्रमोट किया जा रहा है। और बाकी की रिंग्स और सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए गए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ, यहाँ सारा पूरा ओपन मार्केट एक तरह से कह सकते हैं, जिसको सेल किया जा रहा है। सारे प्रोडक्ट्स को लोग आ रहे हैं और कूपन्स के थ्रू सारे आइटम्स सेल किए जा रहे हैं।
डॉक्टर कनक मिश्रा, प्रदर्शनी लगाई गई है बच्चों के द्वारा बनाई गई जो भी कलात्मक चीज़ें हैं उनकी, और साथ ही में सेलिंग स्टॉल भी लगाई गई है। एंटरप्रेन्योरशिप पेपर है गृह विज्ञान की छात्राओं का, जिसमें बच्चों ने अपने हाथों से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं दिवाली फेस्ट को देखते हुए, और ये हैंडमेड चीज़ें हैं जो बच्चों को आगे आइडिया फॉर्मुलेट करेगा एक उद्यमी बनने के लिए, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि आगे वो घर बैठे भी बहुत सारे काम ऐसे कर सकती हैं जिससे वो कुछ पैसे अर्न कर लें, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को अच्छा मेंटेन कर पाएँ और आगे एक सफल महिला बन सके, सफल उद्यमी बन सके अपने जीवन में। तो आज इसी को देखते हुए हमारा गृह विज्ञान विभाग उद्यमिता से संबंधित वस्तुओं का स्टॉल लगाया हुआ है जो उद्यमिता को आगे बढ़ाएगा। गृह विज्ञान विभाग की तरफ से हम सबका ये छोटा सा एक प्रयास है। ज्ञान की बच्चियाँ हैं, उन्होंने होम प्रोडक्ट अपने हाथों से उन बेस्ट चीज़ों से भी कलाकृतियाँ बनाई है। ये बहुत बड़ी जो इनके गुरुजनों ने इन्हें दिया है, सीख दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और बच्चे स्वयं बनाने के बाद उसको प्रस्तुत कैसे करें, उसका जैसे एक आर्थिक भी, जैसे परिवार को संबल प्रदान करने के लिए और अपने को भी मजबूती प्रदान करने के लिए उसको सेल कैसे करते हैं, कैसे काउंटर लगाते हैं, ये सब भी जो इन्होंने किया है, ये प्रतिभाओं को एक मंच पर लाने का मैं विद्यालय परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो संस्कारवान शिक्षा वो देते ही हैं, लेकिन स्वयं केवल किताबी ज्ञान नहीं, एक चारित्रिक विकास के लिए उनको इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं विद्यालय परिवार का आभार भी व्यक्त करती हूँ और सभी बच्चों को और टीचर्स को, गुरुजनों को, इस परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ कि ये बच्चे ऊंचाई प्रदान करें और देश का नाम रोशन करें।